हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब? मैं भी एकदम बहुत बढ़िया हूँ। तो दो वीडियो में आप लोगों ने मंदिर देखा, फैजाबाद देखा, अयोध्या देखा, और आज की जो तीसरी वीडियो, मैंने सोचा शुरू करने से पहले आपको ये ज़रूर दिखाया जाए। अयोध्या आ तो जाएंगे दर्शन करने, अयोध्या में बहुत सारे मंदिर हैं, पर अयोध्या में रुकेंगे कहाँ पे, अच्छा खाना कहाँ पे मिलेगा, अच्छे रूम कहाँ पे मिलेंगे और चीप प्राइस पे। तो आज वहीं पर मैं खड़ा हूँ, तो आइए चलते हैं, इधर देखते हैं। ये है बिरला धर्मशाला। यहाँ पे आपको बहुत ही चीप प्राइस पे बहुत ही अच्छा खाना और रहने की अच्छी एसी रूम वाली सुविधा मिलती है। तो अभी चलेंगे अंदर, यहाँ पे भी दर्शन करेंगे मंदिर है, और बाकी इस रूम वूम देखते हैं यहाँ का क्या सिस्टम है। चलिए, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। बिरला धर्मशाला के बारे में आपको मैं बता दूं तो यहाँ पे जो रूम्स हैं वो 250 से शुरू होकर के 1600 तक जाते हैं। 250 में सिंगल बेड वाला रूम होता है, और फिर उसके बाद 500 में डबल बेड, और उसके ऊपर जब आप जाते हैं एसी में जाते हैं तो 900 में एसी नॉर्मल, और उसके बाद 1600 में डीलक्स रह सकते हैं या फिर वीआईपी रूम, तो वो रहता है। और बाकी अभी इनके पास रूम खाली नहीं था तो रूम नहीं दिखा पाए, लेकिन बाकी इन्होंने जो बताया तो, और मैं भी जानता हूँ अयोध्या गई हूँ, तो यहाँ पे क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है चीज़ों की। मतलब आपका जो प्राइस में, आप जिस प्राइस में रूम ले रहे हो, आपको बहुत ही एकदम वर्थ इट है, और बहुत अच्छा रूम है यहाँ का। तो ये था बिरला धर्मशाला। तो जो सामने ही जो आप देख रहे हैं ये है सुखदेव किला, और इसी से एकदम ही सामने आपको बिरला धर्मशाला पड़ता है। तो यहाँ पे रुकिए और इधर सुखदेव किला में दर्शन करिए। सामने ही राइट साइड में वो देखिए जो लाल बिल्डिंग है, वो है हनुमानगढ़ी, और अंदर जाएंगे तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर, मतलब सब पास ही पास है यहाँ पे। दोस्तों, आ गए हैं हम लोग वाल्मीकि भवन में, और वाल्मीकि भवन का पूरा जो नाम है वाल्मीकि रामायण भवन, और इसके बारे में तो अयोध्या वालों को तो पता ही होगा, लेकिन आप जो बाहर वाले मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको बता दूं, देखो दीवार पे कुछ अलग सा आपको दिख रहा है, तो ये जो अलग सा है इसके बारे में आपको बताऊँ तो वाल्मीकि भवन की सारी दीवारों पर वाल्मीकि रामायण लिखी हुई है, और मैं नज़दीक से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पूरी वाल्मीकि रामायण आपको इस तरीके से पूरे भवन में देखने के लिए मिल जाएगी। और एक बहुत ही गजब की चीज़ दिखाता हूँ, अभी आप सामने देखेंगे सोचेंगे ये कैसे बंडल रखे हुए हैं, देख रहे हो वहाँ से लेके वहाँ तक पूरे में बंडल रखा। तो आपको मैं इसकी खासियत बताता हूँ, और मैं दिखाता हूँ इस बंडल में है क्या। तो कोई एक बुक ले लेते हैं इसमें से, देखिए बुक के बंडल है, मान लीजिए जैसे मैंने एक किताब उठा ली, देखिए इसमें मिलता क्या है, ये हाथ से लिखा हुआ सीताराम। मान लीजिए अब जैसे कोई और बुक उठा लेता हूँ, ये देखिए, ये श्री श्याम कुमार जी ने लिखा है, ये हाथ से लिखा हुआ सीताराम। तो मैं इसके बारे में आपको ये बताऊँ, ये जितने भी बंडल हैं, इतने बड़े बड़े बंडल, इस सब में बुक्स भरी हुई हैं, और सब में हाथों से लिखा हुआ सीताराम, श्री सीताराम है लिखा हुआ है। और यहाँ से आप बुक ले जा सकते हैं घर पर, और बंडल भर भर के आप बुक पर श्री सीताराम लिखिए और यहाँ पर जमा करिए, पूरा बैंक है इसका। ये बच्चे स्कूल की कॉपी नहीं भर पाते हैं, यहाँ पे पूरी पूरी बुक्स भर दी गई हैं श्री सीताराम लिख करके। और सबसे जो ज़रूरी बात है, शांति, शांति बहुत है यहाँ पे। वाल्मीकि भवन और बिरला धर्मशाला से होकर के अब हम लोग आगे सीधा अमावा मंदिर। तो हम लोग दोस्तों मंदिर के अंदर आ गए हैं, और अब देखिए चारों तरफ बड़ी संख्या पे यहाँ पर लोगों को मुफ्त भोजन कराया जाता है, करीब करीब एक साथ 500 लोग बैठ करके यहाँ भोजन कर सकते हैं एक बार में। तो हम लोग भी बैठ गए भैया अमावा मंदिर में भोजन करने के लिए, हमारे भाभी भैया साथ में। तो अब भैया भोजन तो कर रहे हो, मैं भोजन शुरू करने जा रहा हूँ, तो आपको कैसा लगा ये? किसी भी रूप में हो होता है, बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया। जबरदस्त भोजन करके भाई साहब हम लोग निकल चुके हैं आगे, और दर्शन हुआ प्रभु का झूला झूलते हुए, चलिए चलते हैं आगे। जब पट बंद हो गए तो हम और हमारे रावीन भैया चले गए घर, है ना। सोए कुछ देर, सोए कि नहीं सोए आज? अरे पूरा सोए। हाँ तो सोए, उसके बाद आ गए, फिर देखो पीछे महावीर की टिकिया, और यहाँ पे हमारे धवल भाई का ये ले रहे हैं रिव्यू, और एक दो लोगों को और जनता का लिया। और भैया आपने खाया कि नहीं खाया? अरे आप खाए थी नहीं? तो बस ठीक है, हम दोबारा खा रहे हैं। लाओ भैया, लो एक और पत्ता इनको, दो चम्मचों का फेंक दिए, चम्मचों ले लो। देखो हम तो लपेटू छोले के साथ, हमको बहुत पसंद आया इनका टिकिया। क्या बात, मसाले वसाले डाल के एकदम चौचक बनाए हैं, चौचक है एकदम। तो चलिए, आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है। और ये है महावीर भैया की दुकान, और अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका कार्ड डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। आप क्या लोकल? देखो भाई, हम लोग
खाते हमेशा? बिल्कुल हमेशा। कैसा टेस्ट लगा ये बताइए? जबरदस्त है एकदम, इसका कोई तोड़ नहीं है। बाकी की वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पे और फूडी रॉबिन चैनल पे, मतलब रॉबिन भैया के चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो जा करके वहाँ ज़रूर देखिए और थोड़ा सा ललचाइए। तो दोस्तों घूमते टहलते फिर से वापस अयोध्या आ गए, क्योंकि आप लोगों को अयोध्या में काफ़ी चीज़ें दिखानी थी और मैंने ट्राई भी किया काफ़ी चीज़ें दिखाने का। अभी एक मंदिर और है, मैं वो आपको ज़रूर अभी दिखाऊंगा, एक या दो मंदिर अगर खुले रहेंगे दोनों मंदिर। तो अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ पे और जान ही रहे आप कहाँ पे हूँ इस समय, राम की पैड़ी अयोध्या, और रॉबिन भैया भी साथ में हैं। तो रॉबिन भैया अपना क्या है कि लाइव कर रहे हैं, तो हम काले काले हो गए, और इस समय भी वो अपनी जनता के साथ यूट्यूब पे लाइव हैं। तो मैं भी जुड़ा था काफ़ी देर तक, बगल में ही बैठ के हम भी लाइव में जुड़ गए उनसे, और बाकी बहुत मज़ा आ रहा है यार घूमने में। 3 दिन का ये सफ़र बहुत ही अच्छा रहा हम लोगों का। तो चलते हैं अभी आगे मंदिर में दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद आपसे आगे की बातें करते हैं। तो अभी इधर नागेश्वरनाथ मंदिर में तो अभी पर्दा लगा हुआ है, भगवान का श्रृंगार हो रहा है, 9 बजे आरती होगी, 8:30 बज रहा है, तो आधा घंटा अभी यहाँ पे है। तो यहीं जस्ट बगल में ही भगवान श्री काले राम जी का मंदिर है, तो वहाँ पे पहले चलते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं, फिर यहाँ पे 9 बजे आएंगे। जी महिषासुर मर्दिनी जी की अखंडित प्रतिमा है जी, और पूरे फैजाबाद जनपद की जी सबसे प्राचीनतम जी और सबसे अखंडित प्रतिमा है जी। संपूर्ण अंग उपांगों से युक्त है जी, और जो मूर्तिकला के इतिहासकार हैं उन्होंने इनके बारे में लिखा है ये 7वीं शताब्दी जी। अरे वाह, इतनी पुरानी 7वीं शताब्दी के हैं। आप देख सकते हैं कि इनके सभी अंग इत्यादि नेत्र इत्यादि सभी हैं, तो ये बड़ी प्राचीन और अलौकिक प्रतिमा है, क्योंकि प्राचीन प्रतिमाएं जो भी आज प्राप्त होती हैं लोगों को वो कई भूमि में मिलती है तो खंडित मिलती है जी। लेकिन ये अखंडित प्रतिमा, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो मूर्तिकला की दृष्टि से जो विद्वान आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने कहा, जो विवेचन करते हैं वो बताते हैं कि इसकी मूर्तियों के अंदर जो प्राचीन मूर्तियों के अंदर जो अंग होते हैं उन सबसे युक्त हैं, इसमें कोई अखंडित नहीं है, अखंडित प्रतिमा है। तो 7वीं शताब्दी की है, लगभग 1400 वर्ष पुरानी। तो दोस्तों काले राम मंदिर से निकल करके आ गए हैं हम लोग श्री नागेश्वर धाम, और नागेश्वरनाथ मंदिर में जस्ट आरती होने वाली, देखो भैया घंटा लेकर के खड़े हैं, उधर सब अपना जो बजाने वाला यंत्र होता है सब लोग लेके खड़े हैं। तो चलिए यहाँ पे दर्शन करते हैं और आपको आरती दिखाते हैं। तो दोस्तों शाम हो गई है, रात शाम क्या 9:30 बज रहा है, रात हो गई है, और अभी आप लोगों ने देखा कि आरती हुई भगवान नागेश्वरनाथ की। 3 दिन मैंने रॉबिन भैया को पूरा जहाँ तक मुझसे हो पाया घुमाया, बहुत बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया इनको भी मुझको भी, और क्योंकि मेरे लिए भी बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस था कि 3 दिन में पूरी अयोध्या जहाँ तक हो सकता था, जहाँ तक लोगों से पूछ के भी पहुँच पाए, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। जो भी कुछ हुआ आप लोगों को मैंने कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा दिखाया, कहीं कहीं ज़्यादा दिखाया है, तो कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, लास्ट में आरती तो मज़ा आ गया, वो एनर्जी देख के मज़ा आ गया, अभी अलग जोन में है, मतलब नागेश्वरनाथ जी की आरती देख करके भैया को एकदम मज़ा आ गया। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये 3 वीडियोज़ आपको कैसी लगी, और भैया का जो भी लिंक उनको होता है सब आपको मेरे डिस्क्रिप्शन मिले, खैर इनका लिंक मैं क्या डालूँ, ये सबका डालते फिर रहे हैं, तो इनका चैनल पे जरूर जाके देखिए ट्रेवल विद रॉबिन, और जो फूड ब्लॉग है फूडी रॉबिन जरूर देखिएगा, और थोड़ा सा हमारे ऊपर प्यार बरसाइए, थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा बरसाइए, क्योंकि बड़ी मेहनत करके बना रहे हैं सारी चीजें बताते हैं भाई। बहुत मजा आया, चलिए मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, कुछ खाते पीते मस्ती करते, और एक हाँ एक डेडिकेटेड वीडियो और आने वाला है काले राम मंदिर पे, वो जरूर देखिएगा। जल्दी सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए, पसंद आई ही होगी आपको। चलिए तो जय श्री राम, जय श्री राम।